चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रोतेनिया सरदार गांव में रविवार की रात 1:30 बजे के करीब दरोगा धनश्याम वर्मा दो सिपाहियों वंश नारायण गौड़ और शैलेंद्र सिंह के साथ दबिश देने के लिए गए थे। वहां पर हिस्ट्री शीटर मिथुन और उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सिपाही वंश नारायण गौड़ को कमर में और पैर में गोली लग गई। उसके बाद बदमाशों ने दरोगा धनश्याम वर्मा और शैलेंद्र सिंह पर रॉड और डंडे से हमला कर दिया। घटना में दोनों का सिर फट गया और शरीर के कई अन्य जगहों पर भी गंभीर चोटें लगी हैं। तीनों ने किसी तरह गांव से भागकर अपनी जान बचाई। खुद को सुरक्षित करने के बाद दरोगा ने 100 नंबर और पुलिस के आला अधिकारियों को घटना की सूचना दी। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद कई थानों की फोर्स के साथ एसएसपी शलभ माथुर भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए कैंपिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को अभी तक किसी भी बदमाश को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। एसएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती सिपाही वंश नारायण गौड़ और शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वे दबिश देने के लिए रोतेनिया सरदार गांव में दो सिपाहियों के साथ गए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों की ओर से फायरिंग की जाने लगी, लेकिन मुठभेड़ के दौरान ही सिपाही वंश नारायण गौड़ को गोली लग गई। बदमाशों ने उन लोगों पर धावा बोल दिया। उसके बाद वे लोग किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे और अधिकारियों को घटना की सूचना दी। आरोपी बदमाश मिथुन 1 सप्ताह पहले जेल से छूटा था। उसके ऊपर कई थानों में लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वे चौराचौरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। 30 नवंबर 2017 को कुसमही जंगल में हुई मुठभेड़ में वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। उसका गैंग हाईवे और फोरलेन पर ज्यादातर लूट की वारदात करता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने दोनों आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। यहाँ लगा ठीक है। रात में इंस्पेक्टर साहब बताए थे कि चलना है वारंटी की तलाश में, तो वारंटी की तलाश में कप्तान साहब का आदेश था, हम लोग गए थे वारंटी की तलाश में। तो रोतेनिया सरदार पड़ता है हमारे हलके में, चौरी चौरा थाना अंतर्गत। वहाँ जब गए थे तो एक मिथुन नाम का है, हमारे थाने का एचएस है, बदमाश है, तो उसके नाम से वारंट था। एक दो जगह और देखा गया तो वारंटी मिला। मिलने के बाद में उसके यहाँ गया, तो उसके यहाँ गए तो उसके घर के महिलाएं थी, बाहर सोई थी, तो हम लोग जगाए उसको। जगी महिलाएं, मिथुन के बारे में पूछा गया, तो सब महिला कहने लगी कि सब महिला का एक उसकी हमको लग रहा कि औरत होगी या बहन होगी, मतलब नहीं थी, एक उसकी माँ होगी, एक लड़का था। तो पूछा गया कि मिथुन कहाँ है, तो कहे कि मिथुन नहीं है। एक बार कि मिथुन के नाम से वारंट है, इंस्पेक्टर साहब आए तो इंस्पेक्टर साहब भी कहे कि बुलवा दो, कोई कुछ कहना नहीं है, अभियान है और वारंटी की तलाश है। अब जो है वो कहने लगे कि सर नहीं है, तो दो उसका रूम है, दो रूम है, तो ये हुआ कि ताला खोल कर दिखवा दो। तो ये कहे कि नहीं, ताला नहीं है, तो चाबी नहीं है, चाबी नहीं है। तो ये हुआ कि घर तुम्हारा है, चाबी ताला तुम्हारे पास है, तो ये जो है बहाना बनाने लगे। तो इसी पर पुलिस जो है अपना पीछे से, चाहे जो दरवाजा वहाँ से झांकना तकना शुरू की, चाहे थपथपाना शुरू की। बताया गया कि हम लोग पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हैं। देने लगा गाली, देने के बाद में ये इंस्पेक्टर साहब कहे कि अरे हम चोर चौरा के कोतवाल हैं,
इतने में जो है कहा कि अब तो दरवाजा खोलो, जब अंदर हो तब दरवाजा खोलो, वारंट है तुम्हारा। तो वो गाली देने लगा, तब तक उसकी माँ की औरत जो है जाकर ताला खोल दी, ताला खोल दी। बस अंदर से 7-8 की संख्या में थे हम लोग, सोचे कि एक आदमी, शुरू में हम सोचे कि जब मिथुन नाम का है तो एक आदमी होगा, जब 7-8 की संख्या में है तो ये राड इतना बड़ा बड़ा जो है राड ले लिए हाथ में। सबके हाथ में कट्टा उट्टा नहीं था, लेकिन एक दो का हाथ में। ये कल रात की घटना है जहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर है जिसके यहाँ पे पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी, और जानकारी ये थी कि उसका एक NBW आया था, और वहाँ पर जब पुलिस की टीम पहुँची है तो वहाँ पर और भी अपराधी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम और प्रकाश में आया है। और उसके अंदर जब टीम वहाँ पर पहुँची है तो उनके द्वारा वहाँ पर पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया। दौरान मुठभेड़ जो है, कुछ पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं, 2 पुलिसकर्मी को लाठी और डंडे की चोट आई है और 1 पुलिसकर्मी के पांव में छर्रे की बात आई है। 3 की मेडिकल कंडीशन पूरी तरह स्टेबल है, जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर है और 2 कांस्टेबल हैं। इस संदर्भ में थाना चौरी चौरा के अंदर सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोग नामजद हैं और कुछ लोग अज्ञात हैं। हमारी टीमें गठित हैं और शीघ्र घटना का अनावरण करते हुए जिन लोगों के द्वारा एक कृत्य किया गया उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। सर के इनके ऊपर कुछ इनाम, इनके ऊपर 25,000 रुपये, जो 2 लोग नाम प्रकाश में आए हैं उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम करा गया। सर जो घायल हुए इनकी क्या स्थिति? वो एकदम ठीक है, इनकी कंडीशन एकदम ठीक है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मेडिकल सुपरविजन में है। इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे ऑफिसर्स लगातार वहाँ पर विजिट कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया उनकी कंडीशन टोटली ठीक है, स्टेबल है।